और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका रिपब्लिक भारत कुचिना स्टूडियो में बहुत स्वागत है। आखिरकार हरियाणा का दंगल कौन जीतेगा, इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ट्वीट किया गया है और उन्होंने भी अपील की है कि घरों से बाहर निकल करके मतदान करें, मतदान करने की अपील की है। कहा है कि आपका वोट प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त रखेगा, विकास करने वाली सरकार चुनने के लिए अपना वोट करें, पहले मतदान फिर जलपान। और हरियाणा की जनता आज मतदान करने जा रही है, इसे लेकर के उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि घरों से बाहर निकले, हरियाणा के गांव गांव तक पहुंचने वाली सरकार को चुनने के लिए वोट अवश्य करें। झूठे वादों नहीं बल्कि विकास और सुशासन के ट्रैक रिकॉर्ड वाली सरकार ही हरियाणा का कल्याण कर सकती है, ये उनके द्वारा कहा गया है। और सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है जो कि शाम 6 बजे तक चलने वाली है। और दुष्यंत चौटाला से हमारे संवाददाता लोमस ने बातचीत की है, वो बातचीत भी हम आपको सुनवा देते हैं। ताला जी, दुष्यंत जी, आपने अपने मत का प्रयोग किया, क्या लगता है हरियाणा प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और क्या भविष्य होगा? आज शाम को 6 बजे पता चलेगा सरकार किसकी बनेगी। मैं तो आपके माध्यम से सभी हरियाणा के वोटर्स से आग्रह करूंगा कि आप निकलिए, बढ़ चढ़ कर वोट दीजिए। आपकी वोट की ताकत प्रदेश का भविष्य, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भविष्य तय करेगी। आलसी मत बनी, समय पर मतदान करेंगे तो ही इस डेमोक्रेसी के अंदर आपकी ताकत में आपकी हिस्सेदारी होगी। जो बीजेपी लगातार यह कहते हुए नजर आ रही है कि कोई भी पार्टी उनके सामने टिकने वाली नहीं है, जेजेपी हो या फिर कांग्रेस। पार भी कहती थी 240 से नीचे क्यों आए, और ये कहना कि कोई टिकेगा नहीं, ये तो जनता के हाथ में, पार्टियों के हाथ में नहीं है। और पार्टियां कुछ बोलती रहें, जनमत जो होता है वो मुझे लगता है सबसे सीक्रेट है, और वो 8 तारीख को ही पता चलेगा कौन टिका कौन बाहर हुआ। और कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार तो हरियाणा की जनता ये समझ गई है कि ना बीजेपी ना जेजेपी, केवल कांग्रेस। कांग्रेस को जेजेपी याद तो आती है। क्या गठबंधन करेंगे बीजेपी के साथ? देखिए, यहाँ पे दुष्यंत चौटाला जी थे और उन्होंने कहा कि जनता बताएगी किसके साथ और किसकी सरकार हरियाणा प्रदेश में बनने वाली है। रिपब्लिक भारत के लिए विजय उज्जवल के साथ लोमस झा। और चलिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता अमरदीप बने हुए हैं और डब्बाली से काजल हमारी सहयोगी बनी हुई है। लेकिन पहले अमरदीप आप ही के पास आएंगे, ये समझना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर आज माहौल दिख रहा है, कितने मतदाता पहुंचे हैं, किन मुद्दों के साथ, मन में क्या है, खुशी है, उत्साह है, नाराजगी है, किस तरह के इमोशंस वहां पर दिख रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए और बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त रेवाड़ी में हूं। रेवाड़ी के हिसाब से अगर बात करें तो 3 विधानसभा सीट पड़ती है, कोसली, बाबल और रेवाड़ी। रेवाड़ी में अभी आरती राव ने जो वोट कास्ट किया है वो यहां इसी बूथ पे किया है। आरती राव जो है अटेली से प्रत्याशी हैं बीजेपी की, केंद्रीय मंत्री जो हैं राव इंद्रजीत की बेटी हैं। यहाँ पर लाइन आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो बड़ी लंबी लाइन है, कतारें हैं, उससे उत्सुकता जो है लोगों का पता लग जाएगा किस तरीके से एक्साइटमेंट है वोट देने के लिए। ठीक पीछे अगर महिलाओं की बात करें तो वो महिलाओं का जो एक पूरा ग्रुप है वो आ रहा है, इससे पहले भी महिलाओं की लाइन हमने देखी, तो उत्सुकता जो है वो बहुत ज्यादा है वोट डालने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए। तो यहाँ जो महिलाएं आ रही हैं उनसे भी पूछना चाहेंगे, हम बात करेंगे कि क्या मुद्दे उनके रहने वाले हैं, जो महिलाएं क्या मुद्दे आपके रहेंगे, फर्स्ट टाइम वोट रहे हैं? नहीं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस मुद्दे को देखकर के वोट कास्ट करेंगे? जो सरकार काम करेगी हमारे लिए। तो लंबी कतारें तो देखने को मिल ही रही है कि लोग यहाँ पर घर से निकल करके मतदान कर रहे हैं, परीक्षा हो रही है, लेकिन वोटर्स किसे जिताएंगे इस पर भी निगाहें टिकी हुई है। काजल का रुख करेंगे। काजल, क्या वोटर्स पहुंच रहे हैं वहां पर भी इसी तरीके से लाइन में लग करके वोट करने के लिए? जी, मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं इस वक्त एलानाबाद और अभय चौटाला की आवास पर मौजूद हूं, जहां पर पूरी तरह से यहां पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये तीसरी बार होगा जब चुनावी मैदान में अभय चौटाला हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 2 बार से वो विधायक चुने जा चुके हैं, और दूसरी तरफ आज थोड़ी ही देर में वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले उनके आवास का जो नज़ारा है वो आपको एक बार हम दिखाएंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि और दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको देखने
देखने को मिलेगी कि जहां पर बीएसपी के साथ इस बार जो है तीसरी बार जो है एनोलो का गठबंधन है, ऐसे में यहां पर झंडा एनोलो का तो है ही, साथ में बीएसपी का भी झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा यहां रेजिडेंस पर। और लोग भी यहां पर आवाजाही जो है शुरू हो चुकी है, क्योंकि 9 बजे का वो वक्त है जब अभय चौटाला अपने आवास से निकलकर अपना वोट जो है कास्ट करने जाएंगे और तीसरी बार जो है चुनावी मैदान में है। 24 साल से ये अभय चौटाला का इनालाबाद की अगर बात करें तो 24 साल से ये गढ़ माना जाता है। और काजल आप लगातार बता रही हैं क्या कुछ मौजूदा हाल ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच जब हम स्टूडियो में फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं संजीव कौशिक जी आपके पास आऊंगी। अभी कुछ देर पहले हम केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर को सुन रहे थे, उनका कहना है कि हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, किसी तरह की कोई शंका नहीं है, कोई डर नहीं है, 36 बिरादरियों पर पूरा विश्वास है। इन 36 बिरादरियों पर कांग्रेस को भी भरोसा है, बीजेपी को भी है, INLD को भी है, सभी को इन पर भरोसा है। अब इनका मूड क्या होगा वोट के टाइम पर, ये भापना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तो आप मानेंगे ना इतिहास में देखा गया है, जिसकी केंद्र में सरकार हुई है उसी की हरियाणा राज्य में रही है, जब जब कांग्रेस तब यहाँ पे कांग्रेस रही, ऐसा है? प्रियंका, जिम्मेदारी भी तो दुगुनी बढ़ जाती है ना, जब डबल इंजन की सरकार की आप बात करती हैं तो लोगों की उम्मीदें भी आपसे डबल हो जाती हैं। आप जो कहते हैं उस पर दावे के साथ आपको टिके रहना होगा और वो चीज़ें दिखनी चाहिए, खास करके तब, और जब 10 साल तक आप सत्ता में हैं तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि हमें दोबारा लाइए और उसके बाद में हम ये विकास का काम करेंगे। आपको दिखाने के लिए आपके पास इतनी लंबी फेहरिस्त होनी चाहिए कि आप लोगों के सामने किताब खोल के रख दें और बताएं कि नहीं ये फेहरिस्त है और ये मैंने किया, इसके आधार पर आप हमें वोट दीजिए, आपको लगता हो तो वोट दीजिए। लेकिन जो हरियाणा के लोगों के जो सवाल हैं वो अभी भी अपना मुंह बाए खड़े हैं और वो बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, वो उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं के स्वाभिमान के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसानों के बारे में बात है आपका बेरोजगारी का कर रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं सबसे बड़ी बात इसमें खुद आपकी बात में विरोधाभास है कि आप ये कह रहे हैं कि अभी देखिए वहां कांग्रेस किस चीज से जूझ रही है, कांग्रेस के साथ साथ सबसे बड़ा जो संकट है वो है उसकी विश्वसनीयता का। हम देख सकते क्या हम आज आइसोलेशन में नहीं है, सरकार वोटर आइसोलेशन में नहीं है, वोटर आइसोलेशन में वोटर देख रहा है कि हिमाचल में आप टॉयलेट टैक्स लगा रहे हैं, 10 साल आपने टॉयलेट करेंगे आप हिमाचल में टॉयलेट एक नया बनाने पर टैक्स लगा रहे हैं, आप कर्नाटक की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, हिमाचल में आपके पास सैलरी देने को नहीं है, मुख्यमंत्री की सैलरी नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री को वेतन नहीं मिल पा रहा है हिमाचल प्रदेश में, और आप यहाँ पे 2,000 रुपए दे रहे हैं, कैसे देंगे आप बताइए। आप कांग्रेस जो है वो सिर्फ अफलातूनी वादे कर रही है, इस तरीके की चीजें कह के वो वोट लेना चाह रहे हैं, लेकिन जनता भी इतना तो समझ रही है ना कि आप जब दूसरे राज्यों में नहीं दे पा रहे हैं तो आप यहाँ कैसे देंगे। सवाल हिमाचल के लोग, हिमाचल के लोग अनपढ़ गंवार नहीं है, किसान है वो अनपढ़ गंवार नहीं है, जिस तरीके से आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, 2,000 रुपए देंगे, 2,000 रुपए आपने हिमाचल में दे दिया, आपने क्या कर्नाटक में दे दिया, आप आपकी विश्वसनीयता का संकट है, आपके सामने विश्वसनीयता का संकट है। आपने अभी एक दिन पहले हिमाचल में टॉयलेट टैक्स लगाया, टॉयलेट टैक्स लगाना मतलब हंसना चाहिए। आप बताइए कि हरियाणा में कांग्रेस 10 सालों में क्या बदल दिया आपने, देश कांग्रेस पे हंस रहा है कि कैसे कैसे टैक्स लगा रहे हैं। देखिए चंद्र प्रकाश जी और संजीव कौशिक जी, ये सब मुद्दे हैं जो कि पहले इन सब पे सारे बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन आज एग्जाम का दिन है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए।